नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर 9, आपको क्या बता रहे थे, डिवीजन बता रहे थे, क्या बता रहे थे शैतान, डिवीजन बता रहे थे किसका सर, मोनोमियल का, मोनोमियल के साथ, दिखाई दे रहा प्रखर, प्रखर बाबू दिखाई सुनाई दे रहा है? यस सर। चलिए ठीक है, यस सर। चलिए सानवी, हाँ ठीक हो। नेक्स्ट बाबू, अगर माइनस में रहेगा, जैसे बाबू क्या है, 9 है बाबू, एक्स स्क्वायर बाबू, वाई स्क्वायर बाबू, जेड स्क्वायर, और डिवीजन करना बाबू, डिवीजन करना बाबू कितना से सर, 3 से सर, एक्स से सर, वाई से सर, जेड से सर, है ना? तो आपको डिवीजन का बाबू दो मेथड बताए थे, क्या बताए थे बाबू, दो मेथड डिवीजन का बताए थे, दो मेथड बताए थे, है ना, दो मेथड बताए थे कि नहीं, है ना? देखो फर्स्ट मेथड में क्या करोगे शैतान, फर्स्ट मेथड में बाबू लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे बाबू, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, ना लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, मतलब क्या, पहले 3x by z है बाबू, ये 3x by z है, इसको डिवाइड कर, माइनस को छोड़ देना, माइनस को बाबू हिसाब किताब बाद, माइनस लेके चलोगे ना बाबू, अगर बाबू मोनोमियल, दोनों मोनोमियल है तो माइनस को रहने देना, माइनस को रहने देना, है ना, माइनस को बाबू बाद में लिखेंगे, जो रिजल्ट आएगा एक ही माइनस है बाबू, तो उसको रहने देना, दो भी रहेगा तो दोनों बाबू कैंसिल आउट हो जाएगा, बताते हैं। तो 3x by z है बाबू, ये 9 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर हो गया, ठीक ठीक सर। अब इसको डिवाइड करना, क्या करना शैतान, डिवाइड करना, तो बाबू थ्री का टेबल, थ्री का बाबू टेबल पढ़ो, ठीक है ना, थ्री में किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरा 9 आ जाए, थ्री में बाबू किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उसको यहाँ पे लिखना, जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उसको यहाँ लिखना, तो थ्री थ्री जा कितना होगा, 9 होगा। नेक्स्ट बाबू एस एक्स है, दिस इज द बाबू एक्स, एक्स में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि मेरा एक्स स्क्वायर हो जाए, एक्स में बाबू क्या चीज से मल्टीप्लाई करें सर कि मेरा एक्स स्क्वायर हो जाए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से बाबू, आज नहीं समझ में आता बाबू, तो यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, तो 1 है बाबू पावर, यहाँ पे पावर कितना, 2 लाना, तो 1 में कितना ऐड करो बाबू कि 2 आ जाएगा, तो 1 ऐड करोगे ना, तो जितना ऐड करोगे पावर बाबू, बेस में क्या लिख देना, एक्स लिख देना, सिंपल से ऐसे समझो, तो एक्स है बाबू, एक्स स्क्वायर लाना, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स से, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। नेक्स्ट बाबू बाई है सर, तो बाई में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि बाई स्क्वायर हो जाएगा, बाई में बाबू किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे बाबू कि बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, तो किससे करोगे बाई में, किससे करोगे प्रखर बताओ, 1 से सर। अरे शैतान, बाई में बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना बाबू बाई स्क्वायर होगा, पावर ना 1 करेंगे बाबू प्रखर, तो पावर ही बताई थी, अच्छा ठीक है बाई स्क्वायर, ठीक, नहीं जेड में किससे करेंगे सर कि जेड स्क्वायर हो जाता है, ये बाई हो गया बाबू, जेड में किससे करेंगे जेड स्क्वायर हो जाता है, जेड से, तो यहाँ जेड स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट बाबू, अब इसको सबट्रैक्ट कर देना, क्या करना बाबू, सबट्रैक्ट कर देना, है ना, सबट्रैक्ट कर देना, सबट्रैक्ट कर देना, ठीक, तो सबट्रैक्ट कर दोगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये सेम है ना बाबू, एक पॉजिटिव एक, ये माइनस कहाँ, ये माइनस किसके बदले सर, ये सारे टर्म के बदले, ये निगेटिव हो गया, माइनस हो गया मतलब सारे टर्म निगेटिव होगा, तो एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म निगेटिव, रिजल्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा, ठीक, लेकिन हमको डिवाइड क्या करना था सर, ये वाला डिवाइड करना था, आगे माइनस लाना था ना बाबू, माइनस लाना था, आगे क्या दिया हुआ था, माइनस दिया हुआ था, माइनस दिया हुआ था ना बाबू, माइनस दिया हुआ था, तो इसलिए बाबू इसको मैं बाबू कैसे करना, ये माइनस बाबू कितना है, 9x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, डिवीजन है बाबू कितना है, 3 है, एक्स है, बाई है, जेड है, तो इसका रिजल्ट कितना आया सर, 3x बाई जेड आया बाबू, है ना, और एक ही माइनस है बाबू, एक ही माइनस, अगर दो माइनस आगे वाले दो माइनस भी करवाएंगे, दो माइनस रहता तो कैंसिल आउट कर देते, ठीक है, एक माइनस बाबू, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता है तो क्या करो, नहीं समझ में आता बाबू, तो अगर नहीं समझ में आता तो अगर माइनस लेके करना चाहता हो तो माइनस लेके भी कर सकते हो, कैसे सर, शांति से सुनो, ये हो गया बाबू, देखो सेकंड मेथड, इसी को बाबू माइनस, सर हम माइनस, माइनस हम नहीं छोड़ना चाहते, हम माइनस नहीं छोड़ना चाहते तो मत छोड़ो, तो माइनस लेके करोगे तो देखो बाबू कैसे करोगे, कारण मेरा क्या है सर, सेकंड मेथड बाबू, अभी समझो, अभी बाबू लिखो मत, सिर्फ खाली अभी समझिए, है ना, समझिए, अभी क्या दिया हुआ सर, 3x by z दिया हुआ, ठीक सर, अब माइनस बाबू 9x स्क्वायर सर बाई स्क्वायर सर जेड स्क्वायर, ठीक ठीक सर, अभी तक आया नहीं शैतान को, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, अब बाबू आपको सोचना है, सोचना है, सोचना है, देखो यहाँ 3 है बाबू, यहाँ माइनस 9 है, तो 3 में बाबू हमको यहाँ माइनस 9 लाना है ना, माइनस 9 लाना, तो 3 में बाबू किससे मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस 9 हो जाएगा, 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि माइनस 9 हो जाएगा, किससे करेंगे आर्यन बताइए बाबू, आर्यन से 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 9 हो जाएगा, सिक्स से,
अरे तो थ्री मल्टीप्लाई सिक्स करोगे तो 18 हो जाएगा बाबू, थ्री मल्टीप्लाई सिक्स करोगे 18 हो जाएगा, हमको माइनस नाइन लाना है। पहले तो सोचो करेंगे सर माइनस थ्री से, किससे करेंगे जानवी दास? सर माइनस थ्री। हाँ बाबू थ्री में बाबू पहले थ्री से मल्टीप्लाई करो, तो थ्री थ्री मल्टीप्लाई क्या होगा नाइन होगा, एक बाबू माइनस लगा दो, क्या लगा दो माइनस लगा दो, तब ना बाबू यहाँ नहीं कुछ है तो प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो थ्री में किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस नाइन आ जाएगा सर माइनस थ्री से, तो माइनस थ्री हो गया, तो ये क्या हो गया माइनस नाइन हो गया। अब यहाँ पे समझना हो कैच है बाबू, यहाँ पे एक कैच है इसको समझना ठीक। नेक्स्ट वो एक्स में किससे मल्टीप्लाई करेगी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो वही बात है सर एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, बाकी फेनोमेनन बाबू ऊपर वाला ही है एक्स स्क्वायर। बाई में किससे मल्टीप्लाई करोगे बाई स्क्वायर हो जाए, तो बाई से सर बाई से सर, तो यहाँ क्या हो गया बाई स्क्वायर हो गया। जेड में किससे मल्टीप्लाई करोगे जेड स्क्वायर हो जाए, जेड से सर, तो यहाँ जेड स्क्वायर हो गया। अब बाबू सबट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे ध्यान देना शैतान, यहाँ पे ध्यान देना, अभी तक जो सबट्रैक्ट किया था बाबू तो यहाँ पे नहीं कुछ नंबर था, शांति से सुनो, यहाँ इसके आगे नहीं कुछ नंबर था बाबू, तो क्या है प्लस, किसी भी नंबर के आगे नहीं कुछ साइन मेंशन है मतलब उसको हम लोग क्या समझेंगे प्लस में ठीक। तो हमने क्या किया सबट्रैक्ट किया, इसका साइन चेंज कर दिया, यहाँ प्लस बाबू यहाँ सब माइनस कर दिया। सिमिलरली बाबू सिमिलरली यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे फिर से, यहाँ साइन क्या है सर प्लस है, तो इसको सबट्रैक्ट करो बाबू तो इसको साइन चेंज करो, यहाँ प्लस बाबू तो इसको क्या हो जाएगा नीचे साइन क्या हो जाएगा, यहाँ बल्कि यहाँ साइन क्या बाबू माइनस है, यहाँ साइन क्या बाबू माइनस है ना, तो इसको सबट्रैक्ट करोगे तो इसका साइन होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। शांति से सुनो यहाँ पे कैच है बाबू, आप लोग गलती करोगे यहीं पे, यहीं पे आके गलती करोगे। सानवी वीडियो क्यों बंद कर ली बाबू? अरे सर मैं वीडियो ऑन कीजिए सर, चलिए ठीक है चलो बाबू अच्छी बात है। देखो यहाँ यहाँ समझिए बाबू, यहाँ माइनस है बाबू समझो, तो इसको हमको सबट्रैक्ट करना, सबट्रैक्ट करना था, सबट्रैक्ट करने के लिए क्या करोगे यहाँ जो साइन है उसको साइन अपोजिट कर देना चेंज कर देना, तो अभी क्या हो गया प्लस हो गया। तो अब ये बाबू ये जो टोटल नंबर है सर ये माइनस नहीं रहा, ये जो प्लस मेंशन है ना यहाँ पे ये प्लस किसके बदले सर नीचे में जो टर्म है बाबू उसके बदले, मतलब ये माइनस अब क्या हो गया हट गया, माइनस हट गया, ये नंबर क्या बन गया पॉजिटिव बन गया, ऑपर वाला नंबर क्या है निगेटिव है, सिमिलर नंबर है बाबू सेम नंबर है, पॉजिटिव निगेटिव सेम नंबर है ना, नंबर भी सेम है सर, वेरिएबल भी सेम है सर, पावर भी सेम है सर, दोनों क्या है सर लाइक टर्म है, बोथ आर बाबू लाइक टर्म, तो जब दोनों लाइक टर्म है सर तो सबट्रैक्ट होके क्या होगा जीरो हो जाएगा है ना, तो माइनस तो माइनस आप लोग लिखना नहीं तो गलत हो जाएगा माइनस लिखना। तो बाबू आप यहाँ देखो बिना माइनस लेके भी सोल्व कर सकते हो सर है ना बाबू, अब बाद में जो रिजल्ट आएगा उसमें माइनस लगा देना, अगर हमको सर मन है सर माइनस लेके सोल्व करें तो बाबू माइनस नाइन लेके सोल्व किए, तो यहाँ पे बाबू आपको शुरू में बाबू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा निगेटिव से, ये हो गया सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड जो बताए थे उसी तरह से बाबू थर्ड मेथड जो बताए थे, समझ में आता प्रकार? सेकेंड वाला से समझ में नहीं आया बोला बता दीजिए। आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, थ्री में क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे कि नाइन आ जाए माइनस नाइन आएगा, थ्री माइनस थ्री, तो वही ना किया शैतान, थ्री में किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर कि माइनस नाइन है माइनस थ्री से, तो थ्री मल्टीप्लाई माइनस थ्री माइनस नाइन हो गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, अरे शैतान तो एक्स में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा एक्स से, बाई में किससे मल्टीप्लाई करोगे बाई स्क्वायर आ जाएगा तो बाई स्क्वायर बाई से, जेड में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि जेड स्क्वायर आ जाए जेड से, जेड स्क्वायर हो गया, सबट्रैक्ट कर दें। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट थर्ड मेथड क्या है सर, कुछ नहीं है बाबू कुछ नहीं, डरा दिया जाता है थर्ड मेथड में, क्या डरा दिया जाता है यही ना क्वेश्चन है बाबू, इसको डिवीजन में लिख दो ना, क्या लिख दे सर ऐसे नहीं लिख सकते नाइन बाबू एक्स स्क्वायर सर बाई स्क्वायर सर जेड स्क्वायर, आइए बाबू क्या है सिंबल है बाबू डिवीजन का, तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, एक बार क्वेश्चन लिख दीजिए, लो शैतान क्वेश्चन है लिख देते हैं, डर रहा थ्री है सर एक्स है सर बाई है सर जेड है सर है ना ठीक बाबू। नेक्स्ट बाबू इसको कैसे लिख सकते हैं, नाइन है सर एक्स स्क्वायर हो गया सर ये बाई स्क्वायर हो गया जेड स्क्वायर हो गया, ये डिवीजन है तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो, तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हुआ, तो ये रेसिप्रोकल इसका बगल वाला जो नंबर रहेगा ना इसका बगल वाला जो टर्म रहेगा वो क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा वन बटा थ्री हो जाएगा एक्स हो जाएगा बाई हो जाएगा जेड हो जाएगा ठीक ठीक। वो कहाँ देख रहे प्रखारा कहेगा कि समझ में नहीं आ रहा, अब बाबू ये देखो इसको थोड़ा सा ऐसे फैशन में लिखो तो माइनस नाइन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइड बाई कितना थ्री एक्स बाई जेड है थ्री एक्स बाई जेड ठीक ठीक सर। नेक्स्ट बाबू अब बाबू देखो ये नाइन है ये थ्री है ये कैंसिल आउट होगा बाबू कितना टाइम्स थ्री टाइम्स
और यहाँ एक्स है ऊपर एक्स स्क्वायर है तो पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, सिमिलर बेसन बाबू सिमिलर बेसन है तो पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। शैतान यहाँ पे आप लोग गलती कर दोगे शैतान सब हौच पौच कर। चलो इतना लिखो इसको ऊपर सोल्व करते, पहले आप लोग इतना लिखो स्पेस नहीं बाबू, फिर गलती करोगे फिर बदनामी करोगे सर ऐसे बताते हैं। लिखे जल्दी से लिखिए, ये सात का सात रह गया बाबू, ग्रुप में मैसेज वगैरह क्या इतना एक बार कैसे एब्सेंट हो सकता है बाबू? नहीं सर कोई मैसेज नहीं। जानवी शर्मा, आदित्री, ज्योति, सत्यम, संजना और कौन बचे? कोई फेस्टिवल है लगता है ना प्रखर? यस सर प्रखर। हाँ बाबू हमको पता है प्रखर, कोई किसी को पता रहे चाहे नहीं रहे प्रखर को पता रहता है। जल्दी छुट्टी दे दीजिएगा। आदित्य का क्या इशू है बाबू? जानवीदास यस सर, आदित्य को मुझे बोल रही थी कि उसका आज दीदी का बर्थडे है इसलिए वो उसके घर जाएगी इसलिए वो अटेंड नहीं कर सकती। अच्छा बर्थडे है, चलिए बाबू लिखिए बर्थडे मनाइए आप लोग। सर मैं अभी सी वाला बैच नहीं कर पाऊंगा जहाँ तक सर। आपको क्या आपका भी बर्थडे आ गया? नहीं सर मेरा बर्थडे तो 11 तारीख को है अभी नहीं है। तो स्कूल ओपन हो गया? नहीं सर थोड़ा काम से बाहर जाना है। कितना दिन के काम बाबू? सर जहाँ नहीं 2-3 घंटे का काम है सर, तुरंत खत्म हो जाएगा तो आ जाऊंगा। तो जरूरी काम कब बाबू? कब बाबू? आज सर आज आज। अच्छा अच्छा एग्जाम खत्म हुआ? नहीं सर कल खत्म होगा। कल खत्म होगा जल्दी से लिखो। समझ में आता है प्रखर? दावा फायदा किया बाबू, दो दो क्लास आते बाबू। सर सुबह वाला थोड़ा नहीं करता लेकिन शाम वाला तो कर लेता है सर। कर लेता है? अब होम ट्यूशन भी पढ़ती हो? नहीं सर नहीं पढ़ते। चलिए शाम वाला मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ। तो सुबह भी तो रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्टिंग से की थी शैतान, उसमें क्या दिक्कत हो गया सर? फिजिक्स में। अच्छा फिजिक्स में बाबू, तो शाम वाला फिजिक्स का स्टार्टिंग से पढ़ रही हो। केमिस्ट्री का सुबह में समझ में हुआ है सर, इसमें फिजिक्स। हाँ इसमें भी नहीं शुरू हुआ, केमिस्ट्री तो समझ में आना चाहिए सर। मैं शाम वाला नहीं करती हूँ सिक्स तक सर, सिक्स अच्छा सिक्स वाले नहीं करते। पहले लिखो भी आप, खाली गोल गोल बात करोगे लिखोगे नहीं, पहले लिखे भी बात करने में रह जाती है। तो ये थर्ड मेथड क्या है सर? डिवाइड बाबू, डिवाइड करके इसको बाबू आगे ऊपर ऊपर लिखेंगे। ओ, ये डिवीजन है बाबू। हाँ बाबू डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट कर दो, इधर वाला क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवीजन के जस्ट बाबू जो राइट साइड रहेगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। सर ये सेकंड मेथड और फर्स्ट मेथड सेम है ना? अब वो सेम है, इसमें वो बिना माइनस का किए इसमें माइनस के साथ किए हैं। बोले जानविदास सर आपने जो थर्ड मेथड में किया है उसे हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते माइनस 9x2 + 3xyz? हाँ बाबू हाँ बाबू, लेकिन हमको समझाना लिख सकते कोई दिक्कत नहीं बाबू, लेकिन बच्चे को हमको समझाना रहता है ना सर। एक मिनट सर एक मिनट, नीचे वाले रेज मत करिएगा। नीचे वाला नहीं करेंगे बाबू, ठीक। ये कितना है? माइनस 9 है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइड बाय बाबू 3x / z। ये 3 से 9 कैंसिल हो गया था, कितना 3 times होगा वो। अब देखो शैतान यहाँ पे बताओ सर, आर्यन बाबू बेस सेम है बाबू तो पावर सब ट्रेड कर दे। यहाँ 2 power है क्या बाबू? यहाँ 2 है और यहाँ पावर नहीं कुछ है बाबू, तो सभी जगह पावर 1 है। तो बेस सेम है बाबू तो पावर सब ट्रेड करना था, 2 - 1 / 2 - 1 और जेड के पावर 2 - 1। अरे शैतान यहाँ 2 है नीचे में पावर 1 हो गया था, इसको ऊपर लेके जाओगे तो 2 - 1 हो जाएगा। यहाँ बाई स्क्वायर है बाबू, यहाँ 1 है तो 2 - 1 हो जाएगा, जेड का 2 - 1 हो जाएगा है ना। चलो अच्छी बात है, माइनस 3
तो टू माइनस वन कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा। सारे से आंसर सेम है कि नहीं बाबू, सारे से आंसर सेम है ना, ऐसा भी समझी बाबू? यस सर। अच्छी बात है, चलो बनाते हैं कादू को बाबू। ठीक है ना सर, जल्दी दीजिए, इंतजार कर रहा हूँ सर। थोड़ा साइड हट जाइए, लीजिए बाबू। तो बाबू जहां आपको यूज हो बाबू, दोनों मेथड यूज करेंगे। छोटका क्वेश्चन में ये मेथड यूज करेंगे बाबू, अब बड़का क्वेश्चन में ये वाला मेथड यूज करेंगे, इसीलिए हम दोनों बता रहे हैं। पर खर तो इतना मीठा मीठा बोलती है ना, एकदम क्या बोले ना, हनी के हनी के जैसा मीठा मीठा बोलेगी, मैंने ये गप करने कहूँ ना तो महारत ही सबको हासिल है। माइनस 121 बाबू, पी क्यू, क्यू फोर, आर फाइव, डिवाइड करना है बाबू 11 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर से, करो सर। कौन से मेथड से? दोनों मेथड से कीजिए, दोनों मेथड से कीजिए बाबू, तीनों है तो दो दो से आप लोग यूज करो। सर आंसर आ गया सर। आप लोग बाबू माइनस लेके करो, ठीक है ना, माइनस लेके करो बाबू। क्यों बाबू? इसलिए कि वो आगे हमको यूज पड़ेगा, तो इसलिए माइनस लेके करो, माइनस 121 लेके करो, है ना सर? आंसर आगे बताओ सर। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा सोचना ज्यादा पड़ेगा बाबू, लेकिन यूज आगे पड़ेगा। सर माइनस 11 पी क्यू क्यू स्क्वायर आर पे पावर 4 सही है सर? माइनस 7 सर, आर पे पावर माइनस 11 सर, 11 11। हाँ 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 पी क्यू क्यू का स्क्वायर और आर पे पावर 4। हाँ बाबू सर, हम ये कौन से मेथड से बनाएंगे? ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे मेथड, ऐसे मेथड, माइनस लेके बनाइए, है ना, माइनस लेके बनाइए। यस सर। माइनस थोड़ा सोचना ज्यादा पड़ेगा, है ना बाबू, वो आपके लिए अच्छा होगा, सेहत के लिए अच्छा होगा। और आगे बाबू, आगे बड़का बड़का डिवीजन बाबू, माइनस ही आएगा। देखो बाबू फर्स्ट मेथड शैतान बना प्रकार। सर एक आप क्वेश्चन दे दीजिए ना, उसके बाद आप बताते रहिएगा। पीएस लो, दूसरा वाला में इसमें माइनस करो, ये दोनों में एक और इसमें माइनस डाल दो, करो, थकते रहो। 11 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ रहा है बाबू, माइनस कितना 121 है बाबू। पी क्यू है सर, क्यू फोर है सर, आर रेज टू द पावर 5 है, ठीक। अब बताएगा कौन, बताएगा बताओ आर्यन, 11 में किस से मल्टीप्लाई करें कि मेरा माइनस 121 हो जाए? 11 में किस नंबर बताओ आर्यन? माइनस 11। हाँ माइनस 11 करेंगे, माइनस 11 करेंगे तो ना सर, 11 11 11 11 11 11 जाओ 121 होगा, और माइनस है तो माइनस रह जाएगा। तो किस से मल्टीप्लाई करें, हमारी सानवी है कि भाग गए? सानवी वीडियो ऑन करो ना बाबू, ये तो और गोल मटोल होते जा रही है दिन ब दिन, देखो ना फाइन दिखा रही, कहाँ भाग गई सानवी, खाली गुड बाय बोलने के लिए तैयार रहती है। ठीक है सर, गुड बाय सर, अभी बोले ना कि छुट्टी हो जाएगा, सबसे पहले यही बोलेगी। बताओ सानवी, 11 में किस से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू कि माइनस 121 हो जाएगा? इलेवन में किस से मल्टीप्लाई करें बाबू कि माइनस 121 हो जाएगा? आंसर आएगा सर माइनस 11 पी रेस टू दी पी रेस टू पावर 1 क्यू रेस टू दी पावर 2 आर रेस टू दी पावर 4। अच्छा ठीक 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 है प्रकाश, किस से मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 11 से, तो माइनस 11 लिख दें सर। हाँ तो 11 माइनस 11 कितना हो जाएगा? माइनस 121 हो जाएगा। अब पी स्क्वायर में किस से मल्टीप्लाई करो बाबू कि मेरा पी क्यू आ जाएगा? बताओ सनवी, बताए बाबू सर, पी रेस टू दी पावर 1। हाँ पी रेज टू दी पावर 1, तो ये पी क्यू हो गया। अब बताओ
जगह क्यू स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें बाबू कि क्यू रेज टू दी पावर 4 आ जाए, बताओ जन्मीदास। सर क्यू क्यू इंटू क्यू स्क्वायर। हाँ क्यू इंटू क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको यहाँ लिखना है, यहाँ क्यू स्क्वायर हो गया, क्यू स्क्वायर क्यू रेज टू दी पावर 4 हो गया। बताओ आर्यन आर में किससे मल्टीप्लाई करोगे क्या रेज टू दी पावर 5 हो जाए। आर रेज टू दी पावर 4। आर रेज टू दी पावर 4, तो यहाँ क्या हो गया आर रेज टू दी पावर 5 हो गया। नेक्स्ट बाबू सर मैंने दोनों मेथड से सॉल्व कर लिया। वेरी गुड, अब बाबू इसको सबट्रैक्ट कर देना, सबट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे जो साइन रहेगा ना उसका साइन चेंज कर देना, आगे बड़का बड़का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस है तो कर देना प्लस कर देना, ठीक एक के टर्म है। अब इसको बाबू क्या होगा यहाँ सिमिलर नंबर पॉजिटिव बाबू आ रही, ये निगेटिव बाबू ये पॉजिटिव, तो रिजल्ट कितना हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो ये आपका रिजल्ट हो गया क्वेश्चन वही रिजल्ट हो गया वो है ना। सेकेंड मेथड से ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन होगा, आर एच टी पर 4 है बाबू, 4 है साइड में नहीं लिखा हुआ, ये 4 ही है बाबू, आर एच टी पर 4 ही है। सेकेंड मेथड बाबू कैसे करेंगे सर, -121 बाबू पी क्यू बाबू क्यू फोर आर फाइव डिवीजन बाबू कितना है सर 111 पी स्क्वायर है सर क्यू स्क्वायर है सर आर, तो अभी आपको बताया था बाबू इस डिवीजन को किसमें मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दो, तो -121 बाबू पी क्यू क्यू फोर आर फाइव डिवीजन हो गया मल्टीप्लिकेशन में बाबू 1/11 हो गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर हो गया, ठीक ठीक बाबू अच्छी बात है। अब बाबू क्या करो क्या करो क्या करो क्या करो, अब बाबू इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं -121 बाबू पी क्यू क्यू फोर आर फाइव, ठीक डिवाइड बाय बाबू 11 सर पी स्क्वायर सर क्यू स्क्वायर सर आर, ठीक 11 से बाबू 121 कितना 11 टाइम्स में माइनस है माइनस रह जाएगा, पी थ्री क्यू स्क्वायर है तो ये किए कैसे सबट्रैक्ट करूंगा आर्यन बताओ बाबू, यहाँ पी क्यू यहाँ पी स्क्वायर है -11 पी क्यू रेस टू दी क्यू स्क्वायर, अरे पावर 3 माइनस पावर 2 क्यू है बाबू, तो क्यू के पावर कितना है सर 4 है, और नीचे में क्यू कहाँ है सर यहाँ है ना, तो ये वाला को पकड़ना है क्यू को पकड़ना आर वाला ना पकड़ लेना गलती हो जाएगा, तो यहाँ 2 है तो 4 - 2। नेक्स्ट बाबू आर है बाबू आर के पावर 5 है बाबू, यहाँ नहीं कुछ है 1 है तो 5 - 1 -11 बाबू पी है बाबू और ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा बाबू आर रेस्ट टू दी पावर 4 हो जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। सर मेरा दोनों मेथड में सेम ही आया। वेरी गुड बाबू समझ में आता है सानवी, देखो ना कहाँ देख रही सानवी गेम खेल रही बाबू, क्या कर रही हो कुछ नहीं कैसे कुछ कुछ तो कर रही थी बाबू, आलतू फालतू काम बनाई थी खाने पीने पे खूब ध्यान देती है लेकिन सानवी पढ़ाई पे इतना खाने ठीक है खाना अच्छी बात है बाबू थोड़ा पढ़ाई पे भी कंसंट्रेट कीजिए, एक घंटे की क्लास में क्या क्या इसको लगता है, भूख भी लगता है प्यास भी लगता है हद कर देती है सानवी। लिखिए सानवी बाबू लिख ली सानवी, हाँ नेक्स्ट बाबू, तो आज बाबू अटेंडेंस का भी हिसाब किताब कर लेते हैं ना बाबू, बहुत जरूरी है आज के डेट में बहुत जरूरी है। यस सर सबका पहले अटेंडेंस काटी है।
सत्यम का काटिए, जानवी शर्मा का काटिए, आदित्य यस का सर, काटिए, जानवी शर्मा का संजना तो का पहले काटिए, काटिए सर, जानवी शर्मा का तो पहले काटिए। एक अदित्री 31। आज कितना बाबू, कितना डेट है बाबू? आज है सर 29। 29 सत्यम का काटिए सर। आज 29 है बाबू। यस सर। जानवी दास, जानवी दास हमारे अभी तक एबसेंट ना हुई है। बाप बाबू थोड़ा सा और बर्दाश्त कीजिए। सानवी, सानवी का तो बाबू खैर कहना नहीं, इसका तो इतना बर्थडे आता है कि कही जाना। संजना, संजना भी तो हुई है ये बाबू। संजना बाबू 34, 34, 34 संजना। सत्यम 35, 35 सत्यम। जानवी शर्मा, ज्योति, सर जानवी शर्मा का अटेंडेंस के बाद 29 लिख दीजिएगा, आसानी से वो बोलेगी कब एब्सेंट हुए थे। 29 अटेंडेंस में डेट रहता है ना प्रो। तो इसमें नाम किसका नहीं, आर्यन का नाम नहीं है, आर्यन तो अभी एब्सेंट नहीं हुआ था। सर वर्णिका का भी काटिएगा सर, वो भी नहीं आ रही है। वर्णिका का बाबू वो उसका नहीं आता पता, ठीक है ना। और प्रखर भी नहीं है हमारे इसमें। सर ये मास में बस दो या तीन जन ही वाला बैच में प्रेजेंट रहे हैं ना सर। हाँ बाबू हमारी जानवी दास है। सर कौन कौन प्रेजेंट रहा है सर, उसका नाम बता दीजिए ना। आर्यन एब्सेंट नहीं हुआ है और सर जानवी दास है हमारी। और सानवी तो, सर सानवी का तो खैर कहना है नहीं बाबू, उसका तो इतना एब्सेंट रहता है कि कहना ही नहीं। और सर और शर्मा है, प्रखर एक आप है बाबू लगता है। सर नहीं मतलब इस बार चार जन है ना सर। हाँ ज्यादा नहीं है, सब आज ही बाबू, सब आज ही लपटा गए, सब आज का आज ही लपटा गया। ठीक है शैतान, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में सर, इसी क्वेश्चन सर माइनस यहाँ नहीं देता है, यहाँ दे देगा तो बाबू हमको डर लग गया। अब क्या बाबू, इलेवन नंबर, इलेवन नंबर, इलेवन नंबर। अब माइनस यहाँ दे दिया तो सर, तो सर, तो सर माइनस यहाँ दे दिया, अब ब्रैकेट में इसको कर दिया, तब हमको डर लग गया। माइनस कहीं भी दे सकता, आगे दे बाबू चाहे इसमें दे, क्या फर्क पड़ेगा, है ना बाबू, क्या करेगा, है ना बाबू। चलो सर ठीक, आंसर वही तो आ जाएगा सर, आंसर बा यही आएगा बाबू, आंसर बा में चेंज नहीं हुआ। देखो बाबू कैसे सोल्व करना, ठीक है कैसे करना बाबू। देखो माइनस है ना सर, तो यहाँ माइनस लिख दो, ये माइनस बाबू तो माइनस लिख दो। ठीक बाबू, अब आपको सोचना है, सोचना है, इलेवन नंबर क्वेश्चन बाबू सोचना है। देखो कैसे सोचोगे, अब माइनस इलेवन है और यहाँ पे प्लस 121 है ना बाबू, तो इसको प्लस करो, यहाँ प्लस 120 है। लो शैतान लिख ही के कर देते हैं, आप लोग नहीं तो कहोगे सर आप ले जी। थर्ड मेथड नहीं बताइएगा, थर्ड मेथड क्या बाबू, थर्ड मेथड है ही नहीं बाबू, तो माइनस उस समय लेके किया था तब ना थर्ड मेथड बन गया था बाबू, बिना माइनस के कारण। ऐसे दुइये मेथड है बाबू, ध्यान से प्रखर पढ़ते नहीं है, बादाम खाते नहीं है, प्रखर पढ़ते नहीं है लगते नहीं, बादाम बादाम खाते बाबू, खाती हूँ सर। अब देखो भाई यहाँ माइनस इलेवन है ना बाबू, यहाँ क्या है सर, नहीं कुछ है तो प्लस है, तो माइनस इलेवन में बाबू किस से मल्टीप्लाई करोगे तो 121 आ जाए, बताओ जानवी दास। माइनस इलेवन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 121, प्लस 121 आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 11। अब बताओ बाबू सानवी, माइनस इलेवन में किससे मल्टीप्लाई करेगी, प्लस 121 आ जाए, सर 11। बताओ आर्यन। सर मैं बताऊं सर, माइनस 11 का है जानवी दस का है सानवी, अरे शैतान माइनस इलेवन में अगर इलेवन से मल्टीप्लाई करो तो इलेवन इलेवन वन ट्वेंटी माइनस प्लस हो जाता है सर। अब फिर माइनस मल्टीप्लाई यहाँ नहीं कुछ है तो प्लस है तो माइनस से आ जाएगा बाबू, माइनस इलेवन को इलेवन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 121 हो जाएगा ना, यहाँ क्या लाना है प्लस लाना है, यानी नहीं कुछ है तो क्या प्लस लाना, प्लस 121 लाना है। समझ में आया जानवी दास? यस सर। हाँ बाबू, तो माइनस इलेवन में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 121 हो जाए, प्लस 121 हो जाए, तो माइनस इलेवन में सर माइनस इलेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना प्लस 121 होगा बाबू,
तो माइनस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। ठीक, अब बाबू पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करोगे, पी क्यू हो जाएगा। तो पी स्क्वायर में बाबू किससे, जिससे मल्टीप्लाई करोगे उसको यहाँ लिखना। पी स्क्वायर में पी से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। क्यू स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि क्यू फोर आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा बाबू, क्यू फोर हो जाएगा। आर में बाबू किससे मल्टीप्लाई करो, आर